हेलो गाइस, वेलकम टू स्टे स्मार्ट। तो आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप कैसे अपने वर्डप्रेस पर बने हुए वेबसाइट को आप कैसे कस्टमाइज कर सकते हो। तो इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप ये बताऊंगा कि आप कैसे अपने वेबसाइट को प्रोफेशनली कस्टमाइज कर सकते हो। तो बेसिकली कुछ महीनों पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसका नाम था हाउ टू क्रिएट फ्री वेबसाइट। एंड उस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि आप कैसे अपना एक बिल्कुल फ्री वेबसाइट बना सकते हो। तो जब वो वीडियो मैंने अपलोड की तब उस वीडियो पर व्यूज नहीं आए, बट अब उस वीडियो पर अप्रोक्स 1 लाख व्यूज है। एंड काफी सारे कमेंट्स आते हैं कि भाई इसके आगे की वीडियो बनाओ, इसके आगे की वीडियो बनाओ, हमें नहीं पता कैसे कस्टमाइज करें, कैसे अर्निंग करें, कैसे रैंक SEO। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं एक पूरी वेबसाइट की सीरीज अपने चैनल पर चलाऊं। तो जी हाँ दोस्तों, मेरे चैनल पर एक पूरी सीरीज आने वाली है कि आप वेबसाइट बनाना तो मैंने सिखा दिया है, इस वीडियो में मैं आपको कस्टमाइज करना सिखाऊंगा। नेक्स्ट वीडियो में आपको किस तरह से पोस्ट लिखें, किस तरह से आप अपने साइट को रैंक करा सकते हो, किस तरह से आप अपने साइट को SEO कर सकते हो और फिर गूगल से अप्रूव, सब चीजें मैं इसमें बताऊंगा। वेबसाइट क्रिएट करने से लेकर उस वेबसाइट से अर्निंग करने तक मैं सब कुछ बताने वाला हूँ। तो पहला जो वीडियो था वो था हाउ टू क्रिएट ए वेबसाइट, ये दूसरी वीडियो है हाउ टू कस्टमाइज योर वेबसाइट। तो चलिए गाइस, बहुत लंबा इंट्रो हो गया है, अब हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आप इस वीडियो को स्टेप बाय स्टेप फॉलो करें। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके गाइस, तो मैं वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे एक बात बोलूंगा, ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है तो आप इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, स्टेप बाय स्टेप आप इस वीडियो को फॉलो करें। तो गाइज, हम हैं अपने डिफॉल्ट वेबसाइट पे। तो हमारा कुछ इस तरह का वेबसाइट होता है जब हम वेबसाइट बनाते हैं। आपको यहाँ पर एक इमेज देखने को मिल जाती होगी, मैंने उस इमेज को डिलीट किया है और यहाँ पर आप देख सकते हो ये जो मेरा साइट नेम है हिंदी फैक्ट्स, आपको यहाँ पे मिलता होगा क्रिएट ए वेबसाइट और ये जो टैगलाइन नीचे दिख रही है सम इंटरेस्टिंग एंड अमेजिंग फैक्ट्स, यहाँ पर आपको मिलता होगा जस्ट अनदर वर्डप्रेस साइट। तो अब मैं आपको इस तरह के दिखने वाले वेबसाइट को एक ऑसम दिखने वाले वेबसाइट में कस्टमाइज करना सिखाऊंगा। तो इसके लिए हमें जाना होगा अपने वेबसाइट के एडमिन पैनल में। तो इसके लिए आपको URL में टाइप करना है अपने साइट का एड्रेस, उसके बाद /wp-admin, यहाँ से आप अपनी लॉगिन डिटेल्स एंटर करके आप अपने डैशबोर्ड में लॉगिन कर लीजिए। तो आप जैसे ही अपने साइट के एडमिन पैनल में लॉगिन हो जाते हो तो आप देख सकते हो ये रहा आपका डैशबोर्ड। तो यहाँ पर मैं कुछ भी करने से पहले आपसे ये बोलूंगा, अगर आपका वर्डप्रेस जो अपडेट पूछ रहा है तो आप उसे अपडेट कर लीजिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर अपडेट बोल रहा है, बट ये वीडियो ट्यूटोरियल है तो मैं इसे अपडेट नहीं करूंगा, बट मैं आपको रिकमेंड करता हूँ कि आप अपने वर्डप्रेस को अपडेट कर लीजिए। और आप अपने वर्डप्रेस को अपडेट कर देने के बाद अब हम यहाँ से जो पहला अपडेट करेंगे, जो पहला चेंज करेंगे वो है अपने सारे प्लगइन्स को रिमूव। जी हाँ, सारे प्लगइन्स को रिमूव करना होगा। अब आप बोलोगे हम अपने सारे प्लगइन्स को रिमूव क्यों करें, प्लगइन्स तो हमें न्यू न्यू फीचर्स देती है, एडिशनल फीचर्स देती है हमारे साइट को। तो मैं आपको यहाँ पर बता दूं, ये जो आपके होस्टिंग प्रोवाइडर्स होते हैं जिनसे आप अपनी होस्टिंग खरीदते हो तो वो आपको अपनी होस्टिंग तो देते हैं और साथ ही साथ आपको प्री इंस्टॉल कई सारे प्लगइन्स देते हैं, क्योंकि वो बिजनेस के साथ साथ कुछ एक्स्ट्रा इनकम भी जनरेट करना चाहते हैं, इसीलिए आपको प्री लोडेड प्री इंस्टॉल कई सारे प्लगइन्स देते हैं तरह तरह के। तो जब आप उन प्लगइन्स को यूज करते हैं तो उससे वो कुछ पैसा जनरेट कर सके। तो फालतू के प्लगइन्स हमें नहीं चाहिए, तो हमें सारे प्लगइन्स को रिमूव करना होगा। तो इसके लिए आपको जाना होगा प्लगइन्स पर, और प्लगइन्स पर जाने के बाद आपको यहाँ पर एक प्लगइन का जो चेकमार्क दिख रहा है, बॉक्स दिख रहा है, वहां पर टिक कर दीजिए और टिक करने के बाद यहाँ पर बल्क एक्शन पर क्लिक करके वहां से आपको डिलीट सेलेक्ट करके अप्लाई कर देना है। तो अब आपके सारे प्लगइन्स जो है वो डिलीट हो जाते हैं और हमें जो प्लगइन्स रिक्वायर होंगी वो हम बाद में इंस्टॉल कर लेंगे। तो हमने सबसे पहला जो अपडेट था वो हमने कर लिया है, तो अब यहाँ से हम जो सेकेंड अपडेट करेंगे वो है अपने परमालिंक्स को अपडेट। तो अब परमालिंक्स क्या होती हैं तो मैं आपको बताता हूँ, इसके लिए हमें चलना होगा अपने वेबसाइट पर और उसके बाद हमें जाना होगा अपने पोस्ट पर, और पोस्ट पर आ जाने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हो आपका जो URL है, पोस्ट URL वो आप देख सकते हो, आपका साइट नेम है, उसके बाद स्लैश, उसके बाद डेट, मंथ, ईयर, उसके बाद आपका पोस्ट नेम है। तो ये होती है परमालिंक्स। तो ये परमालिंक्स आपको सर्च इंजन रिजल्ट में भी काफी हेल्प करती हैं। तो इस तरह का जो ये लिंक है, आपका जो डेट, मंथ, ईयर आ रहा है, उसके बाद आपका पोस्ट नेम, तो ये प्रोफेशनल नहीं है।
तो आप किसी भी वेबसाइट को ले लीजिए, जैसे google.com। तो आप जब google.com पर जाकर उसके अबाउट पेज में जाते हो, तो वहां पर होता है उसका जो URL होता है वो होता है google.com/about। इस तरह का डेट या वगैरह कुछ भी नहीं होता। गूगल ही नहीं बल्कि आप किसी भी प्रोफेशनल वेबसाइट को ले लीजिए, जो भी आप पोस्ट खोलोगे या फिर पेज खोलोगे वो होता है websitename.com/ उस पेज का नेम या फिर पोस्ट का नेम। तो हमें ये चेंज करना होगा, तो इसके लिए हमें वापस जाना होगा डैशबोर्ड में, और डैशबोर्ड में आने के बाद सेटिंग्स, और सेटिंग्स पर सेव परमालिंक्स। और परमालिंक्स पर आ जाने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हो, आपको यहाँ पर इतने सारे ऑप्शंस मिलते हैं, प्लेन, डे एंड नेम, मंथ एंड नेम, नंबर एक। तो इस तरह से आप यहाँ से कुछ भी सेलेक्ट कर सकते हो, बट मैं रिकमेंड करूंगा पोस्ट नेम आप सेलेक्ट कीजिए, क्योंकि ये SEO में आपकी हेल्प करता है। तो आपको सेलेक्ट करना है पोस्ट नेम और यहाँ से आपको सेव कर देना है। तो अब हम चलते हैं फिर से एक बार अपने वेबसाइट पर, और मैं आपको दिखाता हूँ ये जो लिंक थी वो किस तरह की अब आपको मिलती है। तो ये आ गए हैं हम अपने वेबसाइट पर। अब यहाँ से मैं पोस्ट पर क्लिक करता हूँ, और आप यहाँ पर देख सकते हो आपका जो लिंक है, आपका जो URL है वो किस तरह का यहाँ पर आ रहा है, आपका साइट नेम स्लैश उसके बाद आपका पोस्ट नेम। तो ये काफी ज्यादा नीट और काफी ज्यादा प्रोफेशनल भी लग रहा है, और आपकी SEO में भी इससे हेल्प होगी। तो हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है वो है थीम्स को लेकर। तो अब हम यहाँ से अपने साइट की जो थीम है वो चेंज करेंगे। तो इसके लिए आपको अपने डैशबोर्ड में आ जाना है, और उसके बाद आपको आना है अपीयरेंस, और वहां से आपको सेलेक्ट करना है थीम्स। तो दोस्तों, थीम ही एक ऐसी चीज है जो आपके वेबसाइट को एक पूरा का पूरा लुक चेंज कर देती है। आप तरह तरह के थीम्स लगा सकते हो वर्डप्रेस में बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, इसीलिए ज्यादा लोग वर्डप्रेस को प्रेफर करते हैं। आपको इसके ढेर सारे थीम्स मिल जाते हैं बिल्कुल फ्री में। तो आप यहाँ पर देख सकते हो, आपको यहाँ पर कुछ थीम्स नजर आ रहे होंगे। तो आपको यहाँ पर एड न्यू पर क्लिक करना है, और एड न्यू पर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हो आपके सामने काफी सारे थीम्स आ जाते हैं। तो आपको यहाँ से कोई भी अपनी पसंद की थीम सेलेक्ट करना है। अगर आप चाहो तो यहाँ पर कैटेगरी वाइज भी आप थीम्स को देख सकते हो। तो यहाँ पर से पॉपुलर पर क्लिक कीजिए, और पॉपुलर पर क्लिक करने के बाद देख सकते हैं यहाँ पर सारे पॉपुलर थीम्स जो है वो शो होने लग रहे हैं। आपका वेबसाइट टेक से रिलेटेड हो, या फिर आपका वेबसाइट हो फोटोग्राफी, या फिर आपका वेबसाइट जिस भी तरह का हो, तो यहाँ से आप उस तरह की थीम सेलेक्ट कीजिए। तो मैं यहाँ से कोई भी एक टेक से रिलेटेड थीम को सेलेक्ट कर लेता हूँ, क्योंकि टेक से रिलेटेड वेबसाइट मैं यहाँ पर बना रहा हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर एक थीम है हिट मैग, तो ये मुझे अच्छी लग रही है। तो अब हमें इसे प्रीव्यू करते हैं, और हम देख लेते हैं ये थीम हमें किस तरह की देखने को मिलती है। तो आप यहाँ पर देख सकते हो ये जो थीम है कुछ इस तरह की आपको दिखेगी। तो यहाँ पर इंस्टॉल पर क्लिक करके आप उस थीम को इंस्टॉल कर लीजिए। आप अपने हिसाब से कोई भी थीम को सेलेक्ट कर सकते हो। अब जो आपकी जो थीम है वो इंस्टॉल हो चुकी है, तो अब हमें यहाँ से एक्टिवेट पर क्लिक करके हम इस थीम को एक्टिवेट कर देते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हो वो जो थीम है वो एक्टिवेट हो गई है। तो हम यहाँ से अपने साइट को एक बार विजिट कर लेते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हो हमारा जो साइट है वो पहले से काफी अच्छा लग रहा है। आप यहाँ पर देख सकते हो पूरा लुक चेंज हो गया है, बट ये अभी कुछ खास नहीं लग रहा, बट अपन इसे एक ब्यूटीफुल वेबसाइट में चेंज करेंगे। तो अब हम थोड़े पोस्ट और पेजेस डिलीट करेंगे जो वर्डप्रेस में हमें ऑटो इंस्टॉल देते हैं। सभी को डिलीट कर दें ताकि वेबसाइट फ्रेश एंड क्लीन दिखे। तो डैशबोर्ड पर आइए, देन पेजेस पर, और ये सैंपल पेज। तो यहां पर हमें एक सैंपल पेज मिलता है, तो उसे डिलीट कर दें। ऑल राइट, पेज डिलीट हो चुका है। अब बारी है पोस्ट की। क्लिक ऑन पोस्ट, हेलो वर्ल्ड, क्लिक करिए ट्रैश पर, एंड सेम ट्रैश कैन में जाकर डिलीट परमानेंटली। तो पेजेस एंड पोस्ट तो डिलीट हो गए हैं। बहुत ही खाली खाली लग रहा है अपना वेबसाइट। तो हम अपने साइट में पेजेस ऐड करते हैं। डैशबोर्ड एंड क्लिक करें पेजेस पर, और न्यू पेज पर क्लिक करके हम एक न्यू पेज क्रिएट करेंगे। ऐड न्यू, हमें एक होम पेज चाहिए, सो टाइप करिए होम पेज एंड पब्लिश। एंड उसके बाद आप और पेजेस क्रिएट कर सकते हो। क्लिक ऑन ऐड न्यू एंड टाइप करिए अबाउट एंड पब्लिश। एंड अगेन ऐड न्यू, टाइप करिए सर्विसेज एंड पब्लिश। अगेन ऐड न्यू एंड नाउ कॉन्टैक्ट अस एंड पब्लिश। आप यहाँ पर पेजेस पर क्लिक करके पेजेस को देख सकते हो, और आप सेम इसी तरह से बहुत सारे पेजेस अगर आप चाहो तो क्रिएट कर सकते हो। तो ये एक ट्यूटोरियल है, तो मैं चार ही रहने देता हूं। तो हम यहाँ से अपने साइट को एक बार विजिट कर लेते हैं।
तो आप यहाँ पर देख सकते हो हमारा जो साइज है वो पहले से काफी अच्छा लग रहा है। तो यहाँ पर से आप कस्टमाइज पर क्लिक कीजिए और कस्टमाइज पर क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से आपके सामने आ जाता है। तो आप यहाँ से सेलेक्ट कीजिए साइट आइडेंटिटी, और साइट आइडेंटिटी पे आ जाने के बाद आपका जो साइट टाइटल है अगर आपने चेंज नहीं किया है तो आप यहाँ से जो है वो चेंज कर सकते हो। और साथ ही साथ नीचे यहाँ पर एक टैगलाइन है, तो आप यहाँ पर कुछ भी अपने साइट का जो टैगलाइन होती है वो आप यहाँ पर से कुछ भी लिख सकते हो। और टैगलाइन दे देने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हो सेलेक्ट लोगो, तो आप यहाँ से लोगो सेलेक्ट करके आप ये इस नेम के जगह आप लोगो भी लगा सकते हो। तो मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ कि वो किस तरह से दिखता है। मेरे पास तो कोई लोगो है नहीं, फिर भी मैं कुछ ना कुछ यहाँ पर लगा के आपको दिखाता हूँ। सेलेक्ट लोगो पर क्लिक कीजिए, उसके बाद सेलेक्ट फाइल्स, जहां पर भी आपका लोगो बन के रेडी है आप वहां पर जाकर उसे सेलेक्ट कर लीजिए। तो मैं यहाँ से एक इमेज है मेरे पास, वो सेलेक्ट कर लेता हूँ। देखिए कुछ इस तरह की एक इमेज है यहाँ पर, मैं जस्ट बताने के लिए सेलेक्ट किया है मैंने। उसके बाद यहाँ पर से सेलेक्ट कर दीजिए, और सेलेक्ट करने के बाद ये आपसे साइज एडजस्टमेंट पूछेगा। आपकी मर्जी है जितना साइज आपको यहाँ से सेट करना है सेट कर दीजिए। और उसके बाद क्रॉप इमेज पे क्लिक कर दीजिए, और क्लिक कर देने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर जो नेम है उसके ऊपर ये इस तरह का एक लोगो बनके आ गया है। तो डेफिनेटली ये लोगो नहीं है, एक फोटो थी, मैंने बस आपको बताने के लिए यहाँ पर लगाई है। तो अगर आप चाहो तो लोगो यहाँ से आप लगा सकते हो, फिलहाल तो मैं इसे रिमूव कर देता हूँ। और उसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हो साइट आइकॉन, तो आप यहाँ पर से यहाँ पर जो आपको ये नजर आ रहा होगा वहां पर आप चाहो तो आइकॉन लगा सकते हो। इसके लिए आपको सेलेक्ट इमेज पर क्लिक करना है, उसके बाद अपलोड फाइल्स, सेलेक्ट फाइल्स, उसके बाद जहां पर आपकी वो फोटो है वहां पर जाइए, सेलेक्ट कीजिए फोटो को, और उसके बाद यहां पर से सेलेक्ट कर दीजिए। अगर आप चाहो तो साइज एडजस्टमेंट कर सकते हो, और उसके बाद क्रॉप इमेज कर दीजिए। अब आप यहां पर देख सकते हो मैंने अभी जो यहां पर लोगो सेलेक्ट किया है, वो यहाँ पर आ गया है। आप यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर इस तरह का जो आपके साइट के पास में जो शो कर रहा है वो आपका लोगो है जो हमने अभी लगाया है। तो आप यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर जो है वो लोगो शो नहीं कर रहा, तो अभी हमने लगाया है ना। तो मैं एक बार इसे रिफ्रेश करता हूँ और हम देखते हैं यहाँ पर लोगो आ जाता है। तो ये मैंने रिफ्रेश किया और तो ये नहीं आया। हाँ, तो सेव एंड पब्लिश यहाँ पर से करना होगा तब जाके आएगा। तो उसके बाद हम यहाँ से सेव एंड पब्लिश कर देते हैं, और उसके बाद मैं आता हूँ एक बार यहाँ पर, और अब मैं यहाँ पर एक बार रिफ्रेश करके देखता हूँ। तो आप यहाँ पर देख सकते हो जैसे मैं रिफ्रेश करता हूँ तो हमारा जो आइकॉन है अपने साइट का वो यहाँ पर आ चुका है। सेव कर देने के बाद अब आपको आना है अपने डैशबोर्ड में। तो उससे पहले हम चलते हैं एक बार अपने वेबसाइट पर। तो आप यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर कुछ भी नहीं है, पूरी तरह से ये जो वेबसाइट है वो बिल्कुल खाली है। तो यहाँ पर जो आपके पेजेस है तो हम यहाँ पर एक बार क्लिक करके देखते हैं, अबाउट पे हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पर क्या आता है। तो आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर अबाउट पे अगर क्लिक किया तो यहाँ पर कुछ भी नहीं आ रहा है। तो यहाँ पर ये आपके साइट का ये अबाउट पेज है, तो यहाँ पर आपके साइट के बारे में डिस्क्रिप्शन होनी चाहिए, मतलब आपका साइट क्या है आपके साइट के बारे में वहां पर लिखा होना चाहिए। तो इसके लिए आपको जाना है डैशबोर्ड में, और डैशबोर्ड में जाने के बाद पेजेस पर क्लिक कीजिए, और पेजेस पर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हो अबाउट और यहाँ पर एडिट। तो आपको एडिट पर क्लिक करना है, और एडिट पर क्लिक करने के बाद अब आपको यहाँ पर से आपके पेज के बारे में आपके अबाउट पेज के बारे में लिखना है, यानी कि आपके वेबसाइट के बारे में यहाँ पर आपको कुछ लिखना है। तो यहाँ पर आपको अपने साइट के बारे में कुछ भी लिखना होगा। तो मैंने यहाँ पर कुछ दूसरे साइट से कॉपी किया था, तो यहाँ पर मैं पेस्ट करूंगा, वीडियो लंबी ना हो जाए इसलिए मैंने कुछ कॉपी किया है, तो वह मैं अब यहाँ पर पेस्ट कर दूंगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हो मैंने यहाँ पे कुछ पेस्ट किया है जस्ट आपको बताने के लिए। तो यहाँ से अपडेट कर देता हूँ मैं, और उसके बाद हम चलते हैं अपने वेबसाइट पर। और वेबसाइट पर जाने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हो अबाउट पेज, और मैं जैसे ही अबाउट पेज पर क्लिक करता हूँ, अगर आपके अबाउट पेज पर कोई भी क्लिक करता है तो उसे यहाँ पर आपने जो अबाउट पेज में लिखा है वो यहाँ पर शो करता है। उसी तरह से आपको कॉन्टैक्ट जो पेज है उस पर भी आपको अपने कॉन्टैक्ट डिटेल्स देनी होंगी। तो फिर से आपको डैशबोर्ड में जाना है, फिर से पेजेस पे आना है, और पेजेस पे आने के बाद कॉन्टैक्ट अस, एडिट,
तो यहाँ पर मैंने फिर से कुछ एक दूसरे वेबसाइट से कॉपी किया है आपको, जस्ट आपको दिखाने के लिए कि किस तरह से आपको अपना कॉन्टैक्ट अस पेज जो है आपको किस तरह से बनाना है। तो हम आ गए हैं अपने कॉन्टैक्ट अस पेज पर। तो अब मैं यहाँ से जो कॉपी किया था मैंने वो पेस्ट कर देता हूँ। तो आप यहाँ पर देख सकते हो मैंने कॉपी कर दिया है, यहाँ से अपडेट कर देता हूँ और उसके बाद हम चलते हैं अपने वेबसाइट पर। और हम आ गए हैं अपने वेबसाइट पे। तो अब जब भी कोई भी आपके वेबसाइट पर आकर आपके कॉन्टैक्ट अस पेज पर क्लिक करता है तो आप देख सकते हो ये रहा आपका कॉन्टैक्ट अस पेज। तो आप यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर किस तरह की इंफॉर्मेशन दी गई है। यहाँ पर आपको अपनी ईमेल आईडी देनी होगी, अपना फोन नंबर देना होगा, अगर आप चाहो तो अपने फेसबुक पेज, ट्विटर हैंडल, आप बिल्कुल ही इस तरह से अच्छे से अपना कॉन्टैक्ट अस पेज भी ऐड कर सकते हो। तरह से आपको फिर से डैशबोर्ड में आना है, फिर से पेजेस पे जाना है और इस बार आपको सर्विसेज में, अगर आपने दिया है सर्विसेज तो आपको वहां पर आप किस तरह की सर्विस प्रोवाइड करते हैं वो लिखना है। आप मतलब जो भी पेजेस आपने बनाए हैं उससे रिलेटेड आपको कुछ ना कुछ उसमें लिखना जरूर है। तो गाइज ये था वर्डप्रेस वेबसाइट कस्टमाइजेशन। आप यहाँ पर देख सकते हो जो साइट है वो बिल्कुल ही खाली है, यहाँ पर कोई भी पोस्ट नहीं है, यहाँ पर कुछ भी अभी तक नहीं है। तो इस वीडियो में मैंने बोला था कि सिर्फ कस्टमाइजेशन मैं आपको बताऊंगा, तो कस्टमाइज तो हमने वेबसाइट को कर दिया है अच्छे से। और जो नेक्स्ट वीडियो होगी मैं उस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आपको पोस्ट किस तरह से लिखना है, आपको टाइटल, डिस्क्रिप्शन, आपको कौन से प्लगइन्स यूज करना है, मैं आपको सब कुछ अच्छे से बताऊंगा। और अभी तो फिलहाल साइट बिल्कुल ही खाली है, यहाँ पर कुछ भी कंटेंट नहीं है, इसीलिए ये साइट ऐसा लग रहा है। अब जैसे जैसे मैं साइट पर यहाँ पर पोस्ट लिखूंगा, दो चार पोस्ट मैं आपको अगली वीडियो में पोस्ट करके दिखाऊंगा, तब उसके हिसाब से जब पोस्ट होते हैं तब उसके हिसाब से मैं आपको और भी ज्यादा वेबसाइट में कस्टमाइजेशन होगी। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको पोस्ट किस तरह से लिखना है, टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन, मेटा टैग क्या होता है, एसईओ किस तरह से करें और जो पोस्ट होती है उसकी परमालिंक्स। तो गाइज ये था जस्ट कस्टमाइजेशन। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए। तो दोस्तों अगर आप चाहते हो मैं जैसे ही नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूं तो आपको नोटिफिकेशन आ जाए तो इसके लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। तो देर किस बात की, अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही में जो बेल आइकॉन है उसे भी जरा एनेबल कर लीजिए।